नमस्कार मित्रों, गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 19 सितंबर दिन मंगलवार को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। यह पर्व हर वर्ष भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी का दोपहर में प्राकट्य हुआ था। इस उपलक्ष्य में हर वर्ष यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जहाँ गणपति विघ्न विनाशक है, भाद्रपद मास की इस चतुर्थी तिथि को शिव चतुर्थी भी कहा जाता है। साथ ही इस दिन शिवा योग और सांता योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व काफी बढ़ गया है। ज्योतिष शास्त्र में इस शुभ दिन के लिए कुछ विशेष उपाय बतलाए गए हैं। इन उपायों को करके आप व्रत का 100 गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जीवन के सारे विघ्न सारे कलेश भी समाप्त हो जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन महिलाएं गुड़ घी नमक दूर्वा आदि चीजों को पहले सास ससुर या माता को दें। वहीं पुरुष इन चीजों को पहले गणेश जी को अर्पित करें। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होगी और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। साथ ही पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। धीमे धीमे सारे कष्ट सारे विघ्न दूर होते हैं। जीवन में उन्नति के लिए गणेश चतुर्थी के दिन कुम्हार की चाक से थोड़ी सी मिट्टी लें। उस मिट्टी से अंगूठे के बराबर भगवान गणेश जी की मूर्ति बना लें और फिर उस मूर्ति को चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर ब्रह्म स्थान पूर्व दिशा या उत्तर पूर्व के कोने अर्थात ईशान कोण में रखें। इसके बाद गणेश जी की पूजा अर्चना करें। ओम गम गणपते नमः मंत्र का 108 बार जप करें। इस मूर्ति की 10 दिन तक अनंत चतुर्दशी तक नियमित रूप से पूजा करें। ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। गणेश चतुर्थी के दिन इस उपाय से सारे विघ्न समाप्त होंगे। गणेश चतुर्थी के दिन दूर्वा की 11 गांठ बना लें, फिर उनको भगवान गणेश के माथे से लगाकर उनके चरणों में अर्पित करें। इसके बाद गणेश जी को गंध दीप फल धूप मिष्ठान आदि चीजें अर्पित करें और गणेश चालीसा का सुबह शाम नित्य पाठ करें। ये प्रक्रिया आप अनंत चतुर्दशी तक करते रहें। ऐसा करने से धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और भगवान गणेश जी आपके सभी विघ्नों को दूर करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन इस उपाय से सौभाग्य में वृद्धि होगी। भगवान गणेश जी को सिंदूर अत्यंत प्रिय है, इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन गणेश पूजन में भगवान को सिंदूर का तिलक लगाएं और फिर खुद भी उस सिंदूर के तिलक को लगाएं और गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद ओम गम गणपते नमः विघ्न विनाशके नमः मंत्र की 21 माला जप करें। ऐसा करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गणेश चतुर्थी के दिन उस उपाय से आपको उन्नति प्राप्त हो सकती है। शिव चतुर्थी का इस दिन विशेष संयोग भी बन रहा है, इसलिए इस दिन भगवान गणपति गणेश जी के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना भी करें। भगवान गणेश जी को दोपहर के समय गेंदे के फूल मोदक सिंदूर 11 दूर्वा और गुड़ का नैवेद्य अर्पित करें। फिर प्रदोष काल में भगवान के पास शिवालय में जाकर शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से आपके हर कार्य सिद्ध होते हैं और नौकरी व्यवसाय उन्नति में योग बनते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन समस्याओं के निराकरण के लिए संकट के नाशन के लिए गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को पूजन में घी और गुड़ का भोग लगाएं और पूजा में लाल वस्त्र लाल चंदन का भी प्रयोग करें। फिर 17 दूर्वा अर्पित करें और ओम गण गणपते नमो नमः इस मंत्र का जप करें। इसके बाद गणपति अथर्वशेष का पाठ करें। पूजा करने के बाद घी गुड़ गाय को खिला दें और गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को दान दें। ऐसा करने से आपकी जो समस्या चल रही है वह समाप्त होगी। आपकी हर समस्या का हल निकल आएगा। गणपति आपके जीवन में मंगल का प्रवेश कराएं।